हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जदि आपण माने चैनल रे नुवा बा चैनल को सब्सक्राइब करना ते सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँ फल नोटिफिकेशन पहुँच परबा आपण पाखरे सर्वप्रथम। तेबे आसंतु आलोचना करिबा आजिर विषय वस्तु। तेबे आज आलोचनार विषय वस्तु रही रस, जहाँ आमे किछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बाय एमसीक्यू आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न रहुछि कौन ना, वाक्य रसात्मकं काव्यम एहा केउं ग्रंथरे कहा जाइछि। ऑप्शन रहिला कौन, अभिज्ञान शाकुंतल, बेणी संघार, साहित्य दर्पण, कवि कविता दीप्ति। उत्तर हेब साहित्य दर्पण, ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन रहुछि, वाक्यर लक्षण कौन, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, समस्त। उत्तर हेब समस्त, ऑप्शन डी। विश्वनाथ कविराज केउ मतर प्रतिपादक, रस्यते इति रसः, वाक्यं रसात्मक काव्यम, ए ओ बी ठीक, विशिष्ट पदरचना इति रीतिः। उत्तर हेब ऑप्शन सी, ए ओ बी ठीक। केउं गुड़िक स्थायी भाव, रीति, हास, शोक। बी रे रहिला शांत, भय, उत्साह। सी रे रहिला क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय। डी रे रहिला समस्त। उत्तर हेबो ऑप्शन डी समस्त। संचारी भावर अन्य नाम कौन, व्यभिचारी भाव, भुक्तिवाद, अनुभूतिवाद, समस्त। उत्तर हेबो ऑप्शन ए व्यभिचारी भाव। उत्पत्तिवादर प्रवर्तक किए, श्री शंकुक, भट्टलोलट, भरत, बामन। उत्तर हेब ऑप्शन बी भट्टलोलट। श्री शंकुक केउं मतवादर प्रवक्ता, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। उत्तर हेब ऑप्शन बी अनुमितिवाद। दशम रसर नाम कौन, श्रृंगार, हास्य, शांत, वात्सल्य। उत्तर हेब वात्सल्य रस। रसो वैश्य रसं हवाय हेवाय लब्धानंदी भवती। रस संपर्क ही उक्तिटि केउं ग्रंथरु आसीछि। ऑप्शन रहिला कौन, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा, तैत्तरीय उपनिषद, रसगंगाधर। उत्तर हेब ऑप्शन सी तैत्तरीय उपनिषद। स्थायी भावर उद्बोधक किए, विभाव, रसगंगाधर, काव्य मीमांसा, समस्त। उत्तर हेब विभाव। विभाव केउं केउं भागरे विभक्त, आलंबन, विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, केवल ए ओ बी ठीक। उत्तर हेब केवल ए ओ बी ठीक। साहित्य दर्पणरे रस निष्पन्न पई केउं केउं उपादान केउं उपादानकु ग्रहण करा जायछि, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, समस्त। उत्तर हेब ऑप्शन डी समस्त। प्राच्य साहित्य तत्व अनुजाई रस केते भागरे विभक्त, 2, 9, 10, 8। उत्तर हेब ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 9 भागरे विभक्त। रस निष्पत्ति संपर्क रे केतोटी मतवाद रहिछि, 8, 3, 4, 7। उत्तर हेब ऑप्शन सी 4 रहिछि। भरत तांकर नाट्यशास्त्र रे केते गोटी रस संपर्क रे उल्लेख करिछंती, 8, 3, 10, 9। उत्तर हेब ऑप्शन ए 8। श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभश्चैतष्ट, शांत, तथागत, एहा कहार मत, जगन्नाथ कविराज, भट्टलोलट, विश्वनाथ कविराज, अभिनवगुप्त। उत्तर हेब ऑप्शन सी विश्वनाथ कविराज। श्रृंगार, हास्य, करुण, विद्र, भय, भयानक, विभश्च, भूत, शांतश्च, कावेध, नवरस, स्नातः, एहा कहार मत, विश्वनाथ कविराज, भरत, अभिनवगुप्त, श्री शंकुक। उत्तर हेब ऑप्शन बी भरत। काहाकु आदिरस कहा जाइए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र। उत्तर हेब श्रृंगार।
ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3, 8, 10, 2। ଉତ୍ତର ହେବ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 8, 3, 4, 2। ଉତ୍ତର ହେବ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ହାସ୍ୟ ରସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 8, 10, 5, 2। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ପିତ, ଲାଲ, ଧଳା, କଳା। ଉତ୍ତର ହେବ ପିତ। ଭୟାନକ ରସର ରୀତି କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳି, ଗଉଡ଼ି, ଲାଟି, ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଗଉଡ଼ି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରସରେ ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଭୟାନକ, ସମସ୍ତ ଠିକ୍? ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଭୟାନକ। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଭିନବ, ଭଟ୍ଟଲଲଟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଭରତ। ନ ହି ତନ୍ମନ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍, ଏହା କାହାର ମତ? ଅଭିନବ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। କିଏ ରସକୁ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ବିଚାର କରି 8 ଗୋଟି ରସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ, ଭରତ, ଅଭିନବଗୁପ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ରସର ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି, ଦଣ୍ଡୀ, ଭରତ, ବିଶ୍ୱନାଥ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାଲ୍ମୀକି। ରସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ରସ, ରସ, ରାସ, ରସ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ରସ। ପୂର୍ବରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ, କରୁଣ, ଏହା କେଉଁ ରସ? ରୌଦ୍ର, ଆଲମ୍ବ, ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, ବିପ୍ରଲମ୍ଭ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବିପ୍ରଲମ୍ଭ। କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି? ରୌଦ୍ର, ଆଲମ୍ବ, ବିପ୍ରଲମ୍ଭ, ହାସ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ବିପ୍ରଲମ୍ଭ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।